कि कराची नेवर स्लीप। तो यहाँ पहुँच के वाकई ऐसा लग रहा है कि कराची नेवर स्लीप। और दूसरा क्या कहते हैं कि सिटी ऑफ लाइट। तो यहाँ पहुँच के वाकई ये लग रहा है कि ये सिटी ऑफ लाइट है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, एंड दिस वन इज़ अ मोस्ट स्पेशल वन बिकॉज कैमरा साफ। मेरे यार की शादी, तो फाइनली हम दानियाल खान के निकाह हुए जा रहे हैं कराची से। अभी हमारी बस निकलेगी तकरीबन 2:30 बजे, तो 20 मिनट रहते हैं। सारे पैसेंजर्स जो हैं, लगेज वगैरह अपने बस में रख रहे हैं, हम सब भी रेडी हैं और देखते हैं कि हमारा सफ़र कैसा गुजरता है। वैसे मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार मैं जा रहा हूँ कराची, अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। और वहाँ पर ज़ाहिर है अब जा रहे हैं तो फिर घूमें, फिर बगैर तो वापस आएँगे नहीं। सबसे पहले तो सबसे बड़ी खुशी जो है वो दानियाल खान की हमें निकाह की खुशी है। तो इंशाल्लाह उसका निकाह मुबारक साबित हो और बहुत बहुत खुशियां दे भाई को और अल्लाह खुशियां नसीब करे भाई को। तो मिलते हैं फिर अगले स्टॉप पे। यो 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 दानियाल खान, दानियाल खान जी, वो वाला जो आपको बताया ना जी, वो है कि ये बंदा अपना कोई वो कहते हैं ना कि बाल भी जरा सा टेढ़ा हो जाए ना, उसकी वीडियो से बनानी है लाजमी है। सही है, तो फिर से कहूँगा इसके चैनल को कांटी सब्सक्राइब नहीं करना। नहीं देखे, इसने बाल वाली बात की, इतना बड़ा इवेंट पे हम जा रहे हैं, इतनी बड़े इवेंट पे तुम्हें खुशी नहीं है जी सरदार साहब? कराची अच्छा चले जी। अब जी हमारे लगेज का टाइम है, लगेज वगैरह हमने पहुँचाना है बस में, तो कहाँ मिलेंगे फिर? अगले स्टॉप पे मिलेंगे इंशाल्लाह। ये सारे देखें ना दोस्त, ऐसे होते हैं अभी से ये सारे मेरे चैनल की प्रमोशन पे लाग गए कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब, ऐसा तो नहीं होता ना पहले। जी जी ये हम सारे 8 बंदे कराची के लिए जा रहे हैं। खबरें सुनते हैं हम लोग तो पानी तो बहुत है। एक्चुअली मेरे दोस्त का ये निकाह है ना, तो उस पर जा रहे हैं। अच्छा ये अंकल भी हमें कह रहे हैं कि वहाँ तो सारे पानी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो भी जाता है कहता है कि स्विमिंग करने जानी है, ये भी कहता है कि पानी बहुत ज़्यादा है। तो नायक ये अंकल भी कह रहे हैं कि वहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा है, स्विमिंग करने जानी। हाँ स्विमिंग का शौक है। सही हो गया ठीक। हमारे अंकल है इसमें, अंकल जी, अंकल जी एक रिकॉर्डिंग और एक बूट। वो चाइना से आते हुए भी सिर्फ मेरा बैग खोला था और अभी यहाँ पे भी मेरा ही बैग खोला है। ठीक है भाई, ठीक हो? हमारे भाई को मुबारक नहीं जाएंगे, भाई मुझसे पूछेंगे वहाँ तो इतना पानी है क्यों जा रहे हो? हमने कहा इतना बड़ा इवेंट है इसके साहब स्क्रीन साफ करो। ग्लासेस मेरी छीन के इसने पहन लिए हैं, आराम इसने यूज की थी ये ग्लासेस। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं फिर बताऊँ इसकी ग्लासेस क्या कर रहे हैं। हाँ ये बंदे सारे सोए हुए आए हैं, एक बंदा मैं अर्थोप्रल देखता हुआ आया हूँ। ये सारे कुर्दोगलू हैं, सारे कुर्दोगलू हैं भाई। ये पिंडी स्टॉप है हमारा, ये हमारी बसेज हैं और बसेज बस जो हमें मिली है अल्लाह के फजल करम से और हमारी किस्मत से, बाहर से गाड़ी इसकी बड़ी खटारा लग रही है, अंदर की सीटें एक बार टूटी हुई हैं। और अगले स्टॉप पे क्या बल गया, आप कराची में मिलेंगे। कल हम गोल का आज दानियाल का निकाह हुआ जी 6 सितंबर को। निकाह के बाद मस्जिद के बाद थोड़ा सा शूट वगैरह हुआ, वीडियोस वगैरह बनी
और अभी यहाँ पे है तुम्हारे साथ गोलगप्पा की, ये कह सकते हैं आप क्या कहते हैं रेडी ना, गोलगप्पा भैया हैं। तो शफीक भाई के साथ हमारा गोलगप्पा चैलेंज है, गोलगप्पा ईटिंग चैलेंज, स्पाइसी गोलगप्पा चैलेंज। ये देख लो शफीक भाई चैलेंज, कौन कैमरा चैलेंज, चैलेंज वाला कौन है, चैलेंज वाला मैं हूँ, चैलेंज वाला शफीक भाई के साथ। ठीक, वीडियो बनाओगे ना, वीडियो ऑन है, चैलेंज लगेगा। पहले रुक, मुझे खाने के अपने चैलेंज में मैं सब एक एक प्लेट है, एक एक प्लेट होगी ना। फटाफट फटाफट गोल्डन है, पानी का जाएगा बड़ा मजे का। चलो जी, हार्ड लक था नदीम एंड बेस्ट लक था शफीक भाई, आप बहुत आगे जाएंगे, गुड बहुत आगे मेरे, आप यहां पर भी जाएंगे, लोग कहेंगे चले भाई आगे बड़ा गुड हो गया भाई, गुड हो गया, गुड हो गया जी, गुड हो गया मेरा लग रहा है, गुड हो गया। अच्छा, तो सीन ये कि निकाह तो हुआ दानियाल साहब का जी असर के बाद तकरीबन 6 के करीब, मतलब हो गए थे ना डॉक्टर साहब, ये सीन तो निकाह के बाद हाँ हमने थोड़ा सा शवल लगाया भाई हमारे शफीक साहब के साथ, हमारा चैनल लग गया सुन स्पीड में जवान पर जल्दी से हार गया मैं, खैर फर्स्ट तजुर्बा था, आगे चैलेंज करूँगा दूसरा मैं डॉक्टर साहब के साथ। फूड स्ट्रीट का गोलगप्पे का हमारा चैलेंज लगा दो प्लेट का, तो मेरे भाई दो रह गए थे, तो शफीक भाई ने सारे खा लिए थे तकरीबन 10-12 से डजन थे। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, दानियाल साहब की शादी का खाना खाया, मैंने कहा का खाना खाया, और उसके बाद अभी हम निकल रहे हैं जी सी वी। हमने कहा यार जी रात को यहाँ पे बोर हो गए थे, तो अभी गुड हो गए जी, गुड हो गए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे कहा है कि गुड हो गए, हमारे नहीं टिकटॉकर के, हम टिकटॉकर नहीं। दूसरा सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं सी वी ओ की तरफ, और सी वी ओ पे हमने मतलब डिस्कशन की वजी भाई के साथ, मैं तो पहली दफ़ा आया हूँ, तो उन्होंने कहा यार के रात को बड़ा मज़ा होता है, हमाद अली खान को जानते हैं ना आप जी, चैम्पियंस वाला हमाद अली खान जी, वजी भाई उनके बड़े भाई, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हमाद अली खान के साथ आएगी मेरी एक्सप्लोरिंग कराची विद हमाद अली खान, और वो आपस की बात है क्या बोले तो वीडियो में कोई और भी आ गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सी वी ओ की तरफ, पहली बार में आया हूँ कराची, और सी वी ओ की तरफ भी पहली बार ही जा रहा हूँ, कराची सी पे भी पहली दफ़ा ही जा रहा हूँ, तो बड़ा भी एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब क्या ऐसा होगा, वो जो मूवीज़ में दिखाते हैं वैसा होगा या कुछ अलग टाइप का होगा, देखते हैं। वो कहते हैं कि कराची नेवर स्लीप, तो यहाँ पहुँच के वाकई ऐसा लग रहा है कि कराची नेवर स्लीप, और दूसरा क्या कहते हैं कि जी सिटी ऑफ लाइट, तो यहाँ पहुँच के वाकई ये लग रहा है कि ये सिटी ऑफ लाइट है भाई, क्योंकि हर तरफ रोशनियाँ ही रोशनी रोशनियाँ ही रोशनी है, दरअसल यहाँ लोड शेडिंग नहीं होती ना, लोड शेडिंग तो होती है क्या इलेक्ट्रिक्स वालों का, तो आपको पता ही होगा वो भी बड़े वो हैं, तो क्या इलेक्ट्रिक बड़ी गंदी है कराची की, वैसे हमें तो इतना कोई एक्सपीरियंस है नहीं है, लेकिन ये मीडिया पे हम सुनते रहते हैं, खैर जैसी भी है, लेकिन दी सिटी ऑफ लाइट जो लाइन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करती है कराची पे, हर तरफ रोशनी रोशनी रोशनियाँ, देखने जाएंगे आप तो वो भी दिखाते हैं, फिर आपको सी वी ओ दिखाएंगे, ठीक है। फाइनली वीडियो जो डेस्टिनेशन सी वी ओ कराची पे पहुँच जाए, ये हमारे वजी भाई
हमारे रिस्पेक्टेड माद अली खान को आप सब जानते होंगे, उनके बड़े भाई क्योंकि तो सी वी ओ पे अभी जो रात के मुझे लगता है रात को ही बड़ा रौनक है, तो इतनी रौनक अभी लग रही है ना कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। पहले ही मैंने आपको कहा है ग्राजी नेवर सी स्लीप एंड गुड हो गया एंड गुड हो गया जी और सी यू वाह बड़ी अच्छी है इन द सी अंडर द सी सी वी ओ का नाइट व्यू ऐसा ही है।